आदाब और जहबाब, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल। जी अहबाब, आज हम उर्दू युवक भारती 12वीं जमात में हिस्से नज्म में देखते हैं गजलियात का चैप्टर, गजलियात का बाब 10 नंबर। गजलियात में पेश दर्ज में है कि उर्दू के शेरी सरमाए का बड़ा हिस्सा गजलों पर मुश्तमिल है। गजल को शोरा को हर जमाने में मकबूलियत हासिल रही है। नक्कादों ने इसे उर्दू शायरी की आबरू कहा है। दखन के इब्तदाई दौर से आज तक तमाम काबिले जिक्र शोरा ने इस सिंफ में तबाह आजमाई की है। गजल ने अरबी कसीदे के एक जुज्व तशबीब से अलाहिदा होकर एक मुस्तकिल सिंफ की सूरत अख्तियार की। फारसी शोरा का गैर मामूली कारनामा ये है कि उन्होंने अरबी कसीदे में राइज मुसलसल अशआर कहने के सिलसिले को बदल कर गजल के हर शेर को एक अलाहिदा मजमून के लिए मखसूस कर दिया। नज्म के अशआर मानवी सतह पर एक दूसरे से मरबूत हुआ करते हैं, जबकि गजल के हर शेर में एक नया मजमून पाया जाता है। गजल की तारीख कई नशेब व फराज से गुजरी है। उर्दू में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहला साहब दीवान गजल गो शायर है, जिसके कलाम में फारसी और दखनी का इम्तजाज मिलता है। इसके बाद निशाती, गवासी, वजही और बहुत से शोरा से गुजरकर गजल शुमाली हिंद पहुंची। दखनी दौर में गजल की सुस्ता शक्ल वली के यहाँ मिलती है। उनकी उस्तादी का आज भी एतराफ किया जाता है। शुमाली हिंद में गजल के अवलीन शोरा में शाह मुबारक, आबरू, नाजी और हातिम काबिले जिक्र हैं। मीर और सौदा का अहद या अहद उर्दू गजल का दौरे जर्री कहलाता है, यानी कीमती दौर, नायाब दौर। इसके बाद के शोरा में मुजाफी, नासिख, आतिश, गालिब, मोमिन, जौक, दर्द, दाग और अमीर मीनाई की गजलों में दहलवी और लखनवी तहजीब के रंग नुमाया हैं। गजल के दीगर शोरा में हसरत, जिगर, फानी, असगर, इकबाल, फिराक, मजाज, फैज, मजरू, रवि सिद्दीकी, निदा फाजली वगैरह नाम अहमियत के हामिल हैं। मौजूदा अहद के गजल गो शोरा की तख्लीकी समत और रफ्तार पर गौर करने से पता चलता है कि उनके यहाँ मुख्तलिफ रिवायतों के वाज़े निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी गजल में क्लासिकियत से गुरेज, तरक्की पसंदी और जदीदियत जैसे मुख्तलिफ अनासिर यकजा हो गए हैं। मौजूआत के एतबार से उसमें आशिकाना और सूफियाना रंग के अलावा असर हाजिर के मसाइल में उलझे हुए इंसान के जज्बात वो एहसासात की भरपूर अक्कासी नजर आती है। देखते हैं पहली गजल है ख्वाजा हैदर अली आतिश, जान पहचान। आतिश का पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली था। वो 1778 में फैजाबाद में पैदा हुए। कमसिनी ही में यतीम हो जाने की वजह से वो आला तालीम हासिल ना कर सके। वो नवाब मोहम्मद तकी खां हवस के यहाँ मुलाजिम हो गए। उन्हीं के हमराह फैजाबाद से वो लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने मुजाफी की शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन किसी बात पर खफा होकर रिश्ता तोड़ दिया। आतिश का इंतकाल 1847 में लखनऊ में हुआ। आतिश के मिजाज में कनात थी, फकीराना जिंदगी बसर करते थे। दरबारे सरकार से रब्त जब्त उन्हें पसंद न था। उनकी शायरी में लखनवी तर्ज नुमाया है। उन्होंने शेरी सनातों से खूब काम लिया है और जज्बात व एहसासात को भी बड़े सलीके से निभाया है।
उनके यहाँ अखलाकी मजामीन और तसव्वुफ के मसाइल के साथ साथ बुलंद ख्याली और हुस्न बयान भी है। देखते हैं, हल्के शुरू में पढ़ता हूँ, उसके बाद आप से गुफ्तगू होगी। अदब ता चंद ऐ दस्ते हवस कातिल के दामन का, अदब ता चंद ऐ दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। बाहर एक दिल के दागों ने दिखाई चश्मे कातिल को, बाहर एक दिल के दागों ने दिखाई चश्मे कातिल को, दहाने जख्म सीना बन गया दरवाजा गुलशन का, कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता, कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता, कफे दाऊद में यकसा है आलम मोम आहन का, कफे दाऊद में यकसा है आलम मोम आहन का। दरे फिरदौस पर रिजवां से रुखसत कौन लेता है, दरे फिरदौस पर रिजवां से रुखसत कौन लेता है, समझता हूँ मैं खेल फांदना दीवार गुलशन का। हुई है मर्दमे दुनिया की सूरत से ये बेजारी, गुमा होता है अपने साए पर भी हमको दुश्मन का, हुई है मुर्दा में दुनिया की सूरत से ये बेजारी, गुमा होता है अपने साए पर भी हमको दुश्मन का। सताया है निहायत इनकलाबे दहर ने हमको, सताया है निहायत इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्मे तर के ऊपर गोशदा मन का, और मक्ता देखिएगा। किया एक आन में तैगे कजाने साफ दो टुकड़े, किया एक आन में तैगे कजाने साफ दो टुकड़े, गुमाही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। अदब ता चंद ऐ दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। बहुत शुक्रिया है बाप, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत अलीम ताहिर को, फिर मुलाकात होगी नए कलाम, नए प्रोग्राम, नई एक्टिविटी, नई सरगर्मी के साथ। जो अहबाब हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, सपोर्ट करें। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।